इतना क्यूट बेबी है, भगवान करे हमारा बेबी भी ऐसा ही क्यूट ही। निशान 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 माय लव, ये सब तुम्हारा कमाल है, तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरी तकदीर बदल गई। आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि कहीं पागल ना हो जाऊं। अच्छा, और तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? मेरा प्रमोशन फिक्स हो गया है। क्या? Oh my God, सूरज, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो सेलिब्रेट करें? सेलिब्रेशन तो बनता है, पर पहले मुंह तो मीठा हो जाए। अब सूरज, मुझे लगता है कि अब हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तो वही तो करने जा रहा था। भूल गए, हमें नामकरण के फंक्शन में जाना है। वहां नहीं गए ना तो तुम्हारे पेरेंट्स हमें जरूर सेलिब्रेट कर देंगे। चलो चलो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। क्या हुआ? चलो अंदर। क्या हुआ निशा? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे डील करूं। मैं कुछ समझा नहीं। आज फंक्शन में तुम्हारे घर वाले बच्चे की तारीफ करते हुए सबके सामने मुझे ताने दे रहे थे। बोल रहे थे कि शादी को 5 साल हो गए, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे माँ बाप जी दादा दादी नहीं बन सके। सूरज, उनकी कड़वी बातें ना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, बुरा लगता है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है निशा। तुम्हें क्यों बुरा लगेगा? तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? बच्चा होना ना होना तो ऊपर वाले की देन है ना। सूरज, कहने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी मेरी जगह खुद को खड़ा करके देखो, तब पता चलेगा। मेरा भी मन करता है कि मैं भी माँ बनूं, हमारा एक छोटा सा परिवार हो, छोटा सा बच्चा हो, हम उसके साथ अपना पूरा जीवन खुशी से जिए, प्यार से जिए। लेकिन शायद ये खुशी मेरे नसीब में नहीं। निशा, ऐसा मत बोलो, हमारा भी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा। एक काम करते हैं, हम एक क्लिनिक पे जाते हैं, एक स्पेशल डॉक्टर से मिलते हैं और जल्दी से एक बच्चा प्लान करते हैं। पर प्लीज अपना मूड ठीक करो। स्माइल। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा क्रेडिट स्कोर तो सबसे ज्यादा था ना सर। सर, दिस इज अनफेयर सर। अरे अरे, क्या हो गया? मुझे को इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सब झूठे मक्कार कहेंगे। सारी मेहनत मैंने करी और क्रेडिट किसी और को दे रहे। वो शर्मा अपने आप को समझता क्या? बॉस बनने की औकात नहीं है मेरी उसकी, लेकिन अब मुझे उसके अंडर काम करना पड़ेगा। सूरज, क्या हुआ है मुझे बताओ तो, क्या बात है? प्रमोशन लिस्ट से मेरा नाम हटाकर शर्मा का डाल दिया। क्या? लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? और प्रमोशन तो तुम्हारा फाइनल था ना। एन वक्त पर मेरा लिस्ट से नाम निकाल दिया उन्होंने। पता नहीं किसी ने मेरी शिकायत करके अपनी दुश्मनी निकाली। मुझे तो लगता है ये शर्मा का ही काम है। तुम परेशान मत, साल नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा। मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तुम बस अपनी मेहनत और लगन से अपना काम करते जाओ, मिल जाएगा अगले साल, देखना तुम ही मैनेजर बनोगे। अब तुम अपना मुंह ठीक कर लो, मैंने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। और भूले तो नहीं हो ना, हमें क्लिनिक भी जाना है। क्या तुम इस वक्त क्लिनिक कर रही? समझ में नहीं आ रहा, मैं टेंशन में हूँ। और अगर हमारा बच्चा नहीं हो तो मर जाएंगे क्या हम? बच्चा क्लिनिक यही करती रहती हो यार दिन भर। सूरज, अरे यार, क्या बोल दिया मैंने, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल दिया। निशा, अरे मेरी बात सुनो। निशा, निशा, I'm sorry। तू पता है ना मैं स्ट्रेस में हूँ, मेरा प्रमोशन रुक गया है, समझो ना। I didn't mean it, ऐसे ही बोल दिया था मैंने। निशा प्लीज समझो मेरी बात। सुबह सुबह कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अरे मैं जा रहा था ना। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी। गिरीश, सुधा, आओ अंदर आओ।
कैसे हो भाभी? बस बस, जीते रहो जीते रहो। प्रणाम बड़े भैया, कैसे हो? अरे ठीक है ठीक। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? हाँ भैया, मैं जानता हूँ मेरी और सुधा की शादी की वजह से आप सब परिवार वाले हमसे नाराज हो। माँ और बाबूजी तो हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, पर अगर ऐसे में चाचा जी और आपने हमारा साथ नहीं दिया तो कौन देगा? अब मैं वो पुराना गिरीश नहीं रहा, अब मैं मेहनत करता हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैंने सारी बुरी आदतें, सारे बुरे काम मैंने सब छोड़ दिया भैया। भैया क्या आप अब भी हम दोनों से नाराज हैं? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, नाश्ता करते हैं। हाँ चलो। वैसे तुम यहाँ कैसे? दरअसल भैया मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उस कंपनी का इस शहर में एक प्रोजेक्ट चलने वाला है कुछ महीनों के लिए, तो उसी काम के सिलसिले में हम यहाँ इस शहर में। और ठहरे कहाँ? तो भैया हम। अरे तो, कैसी बातें कर रहे हो, हमारे घर पे रुकेंगे और कहाँ रुकेंगे? सूरज मुझे क्या लगता है कि एक मौका सभी को मिलना चाहिए, और सुधा ने तो मुझसे फोन पर ही पूछ लिया था यहाँ आने का, मैंने उसे हाँ भी बोला था। और गिरीश तुम्हारा चचेरा भाई है, हम सब एक ही परिवार के तो लोग हैं, रहने दो ना इन्हें यहाँ। ठीक है गिरीश, तुम यहाँ ठहर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ कोई गलत और टेढ़ा काम नहीं करना। कैसी बात कर रहे हो भैया, मेरी और सुधा की वजह से आपको और भाभी जी को कभी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, वादा करता हूँ आपसे। ठीक है। और थैंक यू भाभी। एक्चुअली हमें क्लिनिक जाना है, तो ये कमरा तुम्हारा है, तुम लोग अच्छे से नाश्ता करके बढ़िया फ्रेशन अप हो जाओ, हम लोग क्लिनिक से आते हैं। हाँ जी भाभी। और हाँ अपना ही घर समझना है, ठीक है? चल। सुधा में अपना काम शुरू करना होगा जल्दी, जितनी जल्दी हम डोनर से मिलेंगे उतनी जल्दी अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर पाएंगे और अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। इस बार हमें अपने टारगेट से ज्यादा अचीव करना है, उसके लिए पूरी ताकत और तेजी से काम करना होगा। टारगेट एंड ऑल, क्या बात है, बड़ी सीरियस किस्म की बातें चल रही है, एनीथिंग सीरियस? नहीं नहीं भाभी, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए काम करती है, तो बस उन्हीं के लिए डोनेशन इकट्ठा करनी है। अरे वाह सुधा, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। सच कहूं भाभी, डोनेशन से ज्यादा खुशी बच्चों के खेल खिलाते हुए चेहरे देखकर होती है। अच्छा सुधा, अगर हम डोनेशन की शुरुआत अपने घर से करें तो? मैं भी डोनेट करना चाहती हूँ। बच्चे की खुशी से बढ़ के जीवन में कोई सुख नहीं, जीवन की सारी सुख सुविधाएं बच्चे को मिलनी ही चाहिए, जीवन का असली सुख वही है। वाह भाभी, अब आपके हाथ से शुरुआत होगी तो मुझे पूरा विश्वास है हम अपने टारगेट से ज्यादा अचीव करेंगे। देखा गिरीश, दूसरों के बच्चों के लिए भाभी इतना सोच रही हैं, खुद के बच्चों के लिए तो क्या कुछ नहीं करेंगी। चलें, लेट हो रहा, चलो हम क्लिनिक से। जी जी। मुझे भी बाहर जाना है। कहाँ? डोनेशन की रिसिप्ट छपवाने। अरे जब बकरा खुद हलाल होने के लिए आ रहा है तो इंतजाम भी तो तगड़ा करना पड़ेगा ना। हाँ, वैसे भी ये बे औलाद मियां बीवी इतनी प्रॉपर्टी का करेगी भी क्या? एग्जैक्टली। बेडरूम में चले। चलो। नहीं उसका कोई टेंशन नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। ओके ओके ठीक है। हाँ ठीक है, ओके ओके बाय। आ गए तुम लोग, कैसा रहा तुम लोग का दिन? भाभी बहुत टायरिंग, आज बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट्स थी हमारी। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लगवा देती हूँ। देखा सुधा रानी, सीखो कुछ भाभी जी से, अपने ऑफिस का सारा काम खत्म करने के बाद घर को भी कैसे संभालती। कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करो, जब देखो कमियां निकालते रह जाओ। तो कैसे करूं तारीफ, कोई काम ठीक करती हो तुम, सारे काम बिगाड़ती हो। क्या बिगाड़ा मैंने, कौन सा काम बिगाड़ा है? बताओ भाभी को क्या काम बिगाड़ा तुमने। अरे ऐसा कौन सा काम बिगाड़ दिया सुधा ने,
भाभी देखो, आज एक डोनर से बातचीत करनी थी डोनेशन के लिए। यूनिट ठीक से समझा ही नहीं पाई, डोनेशन हमें मिली नहीं। अच्छा ठीक है, तुम सुधा को मत डांटो। तुम्हें डोनेशन चाहिए तो मुझसे ले लो। आ जाओ, ले आओ, चलो। ये पा। और अब मुस्कुराओ, रूठी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम। हंसो, गुड गर्ल। थैंक यू भाभी, जब तक आप जैसे लोग हैं इस दुनिया में तब तक अच्छाई टिकी रहेगी। आई थिंक मेरा ऑफिस से फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट में वापस आ। अरे ये क्या कर रहे हो? पकड़ो। भाभी ने देख लिया तो? नहीं देखेंगे किसी को। नहीं। वैसे भी बड़े बुजुर्ग ये कहकर गए हैं कि जब गंगा बह रही हो ना तो उसमें हाथ धो लेने चाहिए। हाथ धो लिए। और वैसे सुधा रानी, आज हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा डोनेशन मिल गई है। सही कहा, इस देश में भावुक बेवकूफों की कमी नहीं है। हाँ। एक ढूंढो तो हजारों मिलेंगे। कमी तो इस देश में आशिकों की भी नहीं है। क्या कर रहे हो? अभी बाहर बैठी देख लेंगी। देख लेंगी तो क्या हो जाएगा, यही बोलेंगी ना प्यार है दोनों में, आज मना मत करो। सूरज, मैंने तुम्हें कितने फोन्स किए, तुमने एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। इतने बिजी थे आज ऑफिस में। हाँ सूरज, सूरज अब सुधा बाहर। शिवा सूरज, क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? मैं तुम्हारे लिए एकदम बढ़िया सी कॉफी बना के लाती हूँ। हाँ क्या हुआ? हमारे मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए। आ गई तो हमें कब जाना है ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है मतलब? निशा, तकदीर के आगे किसकी चले गए? सूरज क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है रिपोर्ट्स में, बताओ ना साफ साफ। रिपोर्ट्स में लिखा है कि हम दोनों कभी माँ बाप नहीं बन सकते। क्या? सूरज मुझे लगता है रिपोर्ट्स गलत है। तुमने ठीक से दिखाई नहीं होगी डॉक्टर को। डॉक्टर ने देखी क्या? उन्होंने क्या बोला, क्या प्रॉब्लम है, क्या है रिपोर्ट्स में? हाँ उन्होंने साफ साफ बताया कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारे में माँ बनने की क्षमता ही नहीं है। मेडिकल टर्म्स में कहूँ तो यू कैन नॉट कंसीव ड्यू टू इनफर्टिलिटी। तुम मजाक कर रहे हो? तुम एक बार बोलो ना, तुम झूठ बोल रहे हो ना? ये सब नहीं है ना रिपोर्ट्स में, ऐसा कुछ नहीं आया है ना? हाँ यही आया है। मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने तो किसी का कभी कुछ गलत भी नहीं किया। क्यों मेरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं क्यों मां नहीं बन सकती? लेकिन निशा संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को निशा। क्यों नहीं बन सकती? अरे भाभी आप किचन में काम क्यों कर रही हैं? आप जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। भाभी आप ठीक हो ना? सुधा ये आग कैसे लगी? भैया मैं बर्तन रखने आई थी किचन में और मैंने देखा कि
भाभी के पल्लू में आग लगी, पता नहीं कैसे। आलोक, देखकर काम किया करो ना। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन तुम आराम ही कर लो। सुधा, कुछ दिन तुम किचन संभालो। जी भैया, मैं भाभी मैं सारा सब कुछ संभाल लूंगी। आप प्लीज जाइए, रेस्ट कीजिए। चलो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। भाभी चलिए खाना खा लीजिए, बहुत देर हो गई है। भाभी। सुधा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, भैया को पता चलेगा तो मुझे ही डांटेंगे। खा लीजिए। सुधा प्लीज जिद मत करो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, ट्रस्ट मी। हाँ भाभी। निशा। भैया। सूरज, ये कैसे लग गई तुम्हें? अरे एक बार कुछ सुनसान सड़क पे कुछ लोगों ने मुझे रोका, पता पूछा और मेरा सब कुछ लूट के ले गए, गाड़ी तक ले गए। क्या भैया, दो चार लोग थे क्या? पता नहीं कितने लोग थे, पर दो से तो ज्यादा ही थे। बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप चिंता मत करो, आप अभी चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम उनकी कंप्लेंट लिखाएंगे। ऐसे कैसे कोई लूट सकता किसी को? नहीं गिरीश, तुम हालत नहीं देख रहे सूरज की, उसे आराम की जरूरत है। पुलिस स्टेशन तो सुबह भी जा सकते हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन भाभी। गिरीश, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, देखो तो सही, भैया को अभी आराम की जरूरत है। भाभी आप भैया को कमरे में लेकर जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। भैया कमाल करते हैं लड़के, ये क्या बात हुई भाभी? आप जैसी सुलझी हुई इंसान ऐसा कदम उठाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ करने से पहले एक बार तो मेरे बारे में सोच लिया होता, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा? ये औलाद रह के मैं क्या करूंगी, तो अच्छा ही है ना कि मर जाऊं। दोबारा ऐसा मत बोलो। गिरीश, कितने पैसे लगेंगे बताओ मुझे? इस दुनिया में निशा से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं। निशा, जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही होगा, पर एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचे। देखिए ना भाभी, अब तो भैया भी मान गए, आप भी मान जाइए, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराइए ना भाभी। गिरीश देखो ना, भाभी तो रोए जा रही हैं। भाभी ये बेकार की बातें छोड़ो, अब आप वो देखो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखो बच्चों की तस्वीरें, इनमें से आपको जो भी बच्चा पसंद आता है ना, आप मुझे बताइए, मैं उस बच्चे को आप तक ले आऊंगा। ये वाला या ये वाला? क्या वाला? ये वाला। आपको ये वाला बच्चा चाहिए? तो भाभी अब आप इस बच्चे के स्वागत की तैयारियां करो, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। और हाँ भाभी, इसके गृह प्रवेश की सारी जिम्मेदारी मेरी, सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी, देखना। वेरी गुड। तो भाभी अब इस छोटे से मुन्ने का नाम ढूंढो कोई अच्छा सा। अब तो हंस दो प्लीज। अच्छा तो हंस दो। माए माए। हाँ ये हुई ना बात। सूरज तुमने सब देखा, ये छोटे छोटे इसके जूते कपड़े खिलौने सब ले आई हूँ मैं। अब तुमने चूज किया तो अच्छे तो होंगे। क्यूट है ना, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा, ये गिरीश कहाँ रह गया है, क्यों इतनी देर लगा रहा है। सुधा तुम फोन करो ना गिरीश को, पता करो कहाँ रह गया है। भाभी आते ही होंगे वो। मुन्ना राजा पधार रहे हैं। ओह माय गॉड बेबी, ये देखो, मुझे तो ओले 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 मेरे। भाभी हाँ ये वो बच्चा नहीं है, दरअसल क्या हुआ कि जो बच्चा आपने सेलेक्ट किया था जब मैं वहाँ पहुँचा, कोई और उसे गोद लेकर चला गया, तो जो मेरी जान पहचान में एनजीओ थे मैंने उनसे पूछा तो उनके पास यही बच्चा था गोद देने के लिए, तो मैं इसे ले आया। अरे
गिरीश, लेकिन भाभी बच्चा तो बच्चा ही होता है, शायद इस बच्चे के नसीब में आपका प्यार लिखा था। हाँ जी भाभी, अब कितना मत सोचिए, कितना प्यारा बच्चा है, इसे अपनाइए, नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। इसकी मैंने ना पूरी जो कागजों की जो फॉर्मेलिटी थी मैंने सारी पूरी कर दी है, अब कोई चिंता नहीं है। हाँ भाभी देखिए ना, ये देखिए कितना सुंदर है ये, कल को बड़ा होकर ये बिल्कुल आपके जैसा ही दिखेगा, क्यों है ना, और इस घर की सारी समस्याएं सारी तकलीफें दूर कर देगा, सच कह रही हूँ। अच्छा जल्दी से बताइए इसका नाम क्या सोचा है? इसका नाम क्या रखे? अथर्व, अथर्व। अरे वाह, है ना, ये अच्छा लगेगा ना। अथर्व, ये तो गणेश जी का नाम है। वाह, गणपति बप्पा मोरया। निशा, जब से तुमने अलमारी शिफ्ट करी है ना, मेरी एक भी चीज टाइम पे नहीं मिल रही है, मुझे लेट हो रहा है, खाने के लिए क्या बनाया? निशा तुम मेरी बात सुन रही हो? अरे तुम इधर आओ ना, देखो तो कैसे एक तक देख रहा है। मतलब आज नाश्ता नहीं मिलेगा? सॉरी, वो मुझे एक्चुअली मंदिर भी जाना है और फिर अथर्व को भी तैयार करना है ना, इसलिए मैं कुछ बना नहीं पाई। तुम एक काम करो ना, तुम आज बाहर से खा लो। ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने ना इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बात कर ली है, तुमसे एजेंट से मिलके डॉक्यूमेंट चेक कर लेना। निशा अभी ये बहुत छोटा है। सूरज छोटा है तो क्या हुआ, इसके फ्यूचर की चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम देखना कि बड़ा होके ना एक नामचीन सीए या वकील बनेगा और मम्मा का नाम ऐसे रोशन करेगा मेरा बेटा, देखना तुम। अरे पहले इसे बड़ा तो होने दो, चलो मैं चलता हूँ। जल्दी आता हूँ। मेरे छोटे बेटे, उसको तो मामा की बचने का लाजा बेटा मेरा गुड। बात है, आप दोनों तो दो दिन में घुल मिल गए। अरे क्यों नहीं घुलेंगे मिलेंगे, बच्चा किसका है? हाँ, इसकी स्माइल की तो क्यूट है ना। हाँ। खुशी, कितना अच्छा लग रहा है आपको खुश देखकर। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप हमेशा ऐसे खुश रहो। मेरा बच्चा, मेरा गोपाल। अरे 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 अरे, कौन कर रही? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा बच्चा मुझे दे दो। कौन है गिरीश? कौन मेरा बच्चा है? हा? क्या बकवास कर रही है? क्या बोल रही है? छोड़ो, तुम्हारा बच्चा नहीं है ये मेरा बच्चा है। ये मेरा बच्चा? अरे अरे, क्या कर रही है? ये हमारा बच्चा है, तुम दे दो मेरा। गिरीश क्या बकवास कर रही है? छोड़ो, 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 बच्चे को छोड़, बच्चे को वापस मेरा बच्चा है, छोड़, पागल, छोड़ दो, छोड़, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा चोरी हो गया था। पागल झूठ बोल रही है, हमारे बच्चे को अपना बच्चा बताती है? झूठ तो तुम बोलते हो। तुम्हारा बच्चा नहीं है ये। ये मेरा बच्चा है। एक पागल औरत, ये तेरा बच्चा नहीं है? हाँ, हमारे बच्चे को अपना बच्चा मत बोलना। मेरा बच्चा चोरी हो गया था। गिरीश क्या बोल रही है? अभी झूठ बोल रही है ये औरत, बच्चे को मैं खुद एनजीओ से लेकर आया हूँ। झूठ तो तुम बोल रहे हो, ये मेरा बच्चा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? चुपचाप मान जा, यहाँ से निकल जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं मेरे बच्चे को लेके धक्के मार के निकाल दूंगी तुझे यहाँ से। हमारे बच्चे को अपना बच्चा बोल दिया। देख तुम्हारा यहाँ नजर मत आ रहा। गिरीश इसको ऐसे बाहर निकालो, निकल। चल चल, तेरा बच्चा, मेरा बच्चा, यहाँ से बाहर निकल, दोबारा आना नहीं यहाँ। भाभी आपको मुझ पर यकीन नहीं? आप उस चोरनी की बात पर विश्वास कर रही हो? मैं खुद अपने हाथों से इसे एनजीओ से लेकर आया हूँ, मैंने तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिए इसके। गिरीश
एक काम करते हैं, हम पुलिस में उसकी कंप्लेन कर देते हैं, फिर से वापस आते हैं और मेरा बच्चा सीने लगी तो। ये क्या कह रही हो भाभी आप? आप भी क्या एक पागल औरत की बातों में आ रही हो? और पुलिस कंप्लेंट वगैरह करेंगे तो दिक्कत तो हमें ही होगी ना भाभी। इतनी मार खाई है उसने, दोबारा लौट कर नहीं आएगी वो। छोड़िए आप, चलिए अंदर चलते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अपना और इस बच्चे का ख्याल रखिए, उस औरत को मैं देख लूंगा। इस औरत ने यहाँ आकर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। भाभी बच्चे के साथ मंदिर गई है, किसी भी वक्त आती होंगी। उनके वापस आने से पहले हमें कुछ करना ही होगा। सुधा, यही सही मौका यहाँ से निकलने का है ना? तो जितनी जल्दी हो सके, जितना ज्यादा सामान समेट सको समेट, क्योंकि ये पागल औरत यहाँ वापस जरूर आएगी। और अगर ये पागल औरत यहाँ वापस आ गई तो हमारी हकीकत इन दोनों के सामने भी आ जाएगी। हम इस घर में और नहीं रह सकते। चाबी, ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? बताऊंगा, चलो। मौका मिलते ही मैंने चाबी चुराई और उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाई। अच्छा खैर, इन बातों का समय अभी हमारे पास नहीं है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि अगर बियर भाभी को पता चल गया कि हमने उन्हें चोरी का बच्चा दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी चुपचाप वो 10 लाख रुपए, बाकी का कैश, ये ज्वेलरी सब समेटो और यहाँ से जल्द से जल्द निकल दो, किसी नए शहर चलते हैं और वहां जाकर किसी और को लूटेंगे, है ना? छोटे बच्चों का व्यापार करते तुझे शर्म नहीं आई? तुझसे अच्छे तो जानवर है गिरीश। मुझे तो पहले ही तुझ पे शक था, लेकिन निशा के चक्कर में मैं चुप रहा। लेकिन अब तुम दोनों की असलियत मैं निशा के साथ साथ पूरी दुनिया को बताऊंगा। भैया, आपको गलत फहमी हुई, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हमने कुछ किया नहीं है। आपको बस ऐसा लग रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, मैं अभी आपको बता, मैं आपको बेहतर तो सुधा थोड़ा 10 मिनट लेट आ जाते, गलत टाइम पर आ गए भैया। लेट आते तो शायद बच जाते। क्यों आए जल्दी? अब कौन आ गया? लगता है भाभी आ गई। तुम एक काम करो, जाके भाभी को संभालो, मैं तब तक लाश को ठिकाने लगाता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। राजा, पूरे घर की तलाशी लो। सर, सर। क्यों, किस लिए? अरे सीधे सीधे बता, इसका बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा, कैसे बच्चा? ये पागल झूठ बोल रही है, हमारा बच्चा है वो। कुछ भी कहेगी क्या? छोड़ो। सर, 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 इधर आइए। क्या है ये सब? सर मुझे भी नहीं पता, सच्ची। मैं जब यहाँ इस कमरे के अंदर आया तो मैंने देखा कि भैया को क्या हो गया, भैया से यहाँ पड़े थे तो मैं खुद सर। सर, मैं सर, सच कह रहा हूँ सर, मुझे मैं खुद ही सोचने की कोशिश कर रहा कि भैया को क्या हो गया। अरे अरे तेरा मम्मा बच्चा, तुम फिर आ गए मेरा बच्चा छीनने? सूरज सर, सर ये मेरा बच्चा है, सर ये मेरा व्यापार है सर। सूरज, 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 क्या हो गया सूरज? किसने किया ये? तुम्हारी जान ले ली सूरज, क्या करेगा? बता दो क्या हुआ यार, और ये बच्चा तूने कैसे चुराया? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बता दो, मार के चामड़ी उतार दो। सर बताता हूँ, सर बताता हूँ।
हाँ सर, ये कि बच्चा इसी औरत का है। भैया और भाभी को बच्चे की जरूरत थी, तो मैंने उन्हीं की मदद करने के लिए मैंने वहां सड़क से बच्चा उठाया और इनको दे दिया। तूने जिस जगह से बच्चा उठाया था उसके सामने की बिल्डिंग की सीसीटीवी में हमें सब कुछ साफ साफ दिख गया था। तूने पहले बच्चा चुराया, उसके बाद कुछ दूर पैदल चलकर ऑटो में बैठकर वहां से गया। उस ऑटो वाले को हमने ट्रेस कर लिया है, उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। एनजीओ की आड़ में तुम बच्चों का व्यापार कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब जेल की सलाखों के पीछे तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब हो जाएगा। बस हटा, बस प्लीज। भैया को सब सच पता चल गया था। हम दोनों तो यहां से बस निकलने वाले थे कि भैया आ गए। उन्होंने हमें चोरी करते हुए प्रज्ञा को पकड़ लिया और फिर उन्होंने बोला कि ये हमारी बात सबको बता देंगे। तो उसको बचाने के लिए हम दोनों ने भैया को मार दिया। ले चलो इसे, बाकी सच हम लॉकअप में उगलवा लेंगे। ले जाओ, जाओ। Ha 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 ha!